सबसे पहले आप इस धागे को काट लें। सारे मोती आराम से आप एक कटोरी में निकाल लें, ठीक है। अब आपने सुई लेनी है और ये धागा है जो पूरी तरह से सुई में घुसेगा नहीं, इसलिए धागे को आगे से पतला कर लें काट के। ये कैंची चल नहीं रही है, ये दूसरी कैंची से मैंने किया है। धागा आगे से पतला कर लिया है। अब आप इसे सुई में आराम से डाल सकते हैं। इस डबल धागे में आप एक एक करके सारे मोती डाल लें जितने आपके हाथ में आते हैं। फिर ये यहाँ आते आते सारे मोती से आपने माला बना ली है, पूरी अच्छे से पूरा ब्रेसलेट बना लें। और उसके बाद आप चाहें तो इसे दोबारा से दिख रहा है तुझे, मैं इधर ही कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अभी तक दो मोती की बनी, दो माला, दो धागे की बनी है। आप चाहें तो दोबारा की टेढ़ी हो गई है, एडिटिंग में मैं एडिटिंग कर दूंगा। और इस तरह से आपने गांठ लगा दी, थोड़ा ढंग से दिखा है। ये गांठ आपने बहुत कस के लगानी है। ये दूसरी बार गांठ मारी, उसी से वही चलते जब ये वापस घूम के टाइट हो जाए। इस गांठ का ध्यान रखना है क्योंकि ये गांठ खुल जाती है, रबड़ की है। बहुत अच्छे से कस देना है ताकि ये गांठ खुले नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। 3-4 बार जितनी गांठ आप लगा सकते हैं, बहुत कस के लगानी है ताकि गांठ खुले नहीं। तो लगता है 19 तो बच्ची के हाथ में डालना था, इसके हाथ में बड़े ही डालने चाहिए। ये छोटा नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा, गलत बन गया। कर दे, कट कर लें। आपका ब्रेसलेट तैयार है, ठीक है। इसको आप देखें।